आपके सामने एक थोड़ा सा और डेटा रखना चाहता हूँ कि दिल्ली में और बाकी राज्यों में शराब की बिक्री की, शराब की दुकानों की पर कैपिटा संख्या क्या है, उसका एक डेटा है। गुड़गांव में जहाँ बीजेपी का शासन है, 4,166 लोगों पर शराब की एक दुकान है। नोएडा में जहाँ बीजेपी का शासन है, 1,390 लोगों पर शराब की एक दुकान है। बेंगलोर में जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 12,179 लोगों पर एक दुकान है। बीजेपी का गोवा है, गोवा में 761 लोगों पर एक दुकान है। नई पॉलिसी के तहत अगर दिल्ली में मैक्सिमम दुकानें भी खुल जातीं, तो उसके बावजूद 850 दुकानें भी खुल जातीं, तो यहाँ 22,707 लोगों पे एक दुकान होती। और आज जब 468 दुकानें हैं, तो 41,192 लोगों पे एक दुकान है। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये ईडी की धमकी देके, सीबीआई की धमकी देके चाहते हैं कि लीगल शराब का धंधा यहाँ भी बंद हो और इलीगल धंधे को बढ़ावा मिले, नॉन ड्यूटी पेड धंधे को बढ़ावा मिले, स्पिरिट्स लिकर को बढ़ावा मिले। ये इनका पुराना धंधा था, ये वापस उस धंधे को लाना चाहते हैं। अगर दिल्ली में अवैध, अगर दिल्ली में लाइसेंस शुदा दुकानों की कमी होती है, अगर वैध तरीके से उपलब्ध शराब की कमी होती है, तो नकली शराब का कारोबार बढ़ता है, वो इनको फ़ायदा देता है। इन्होंने दुकान वालों को डरा के और अफसरों को डरा के दिल्ली में ऐसे हालात बनाने की कोशिश की है जिससे 1 अगस्त से दिल्ली में एक्साइज ड्यूटी देने वाली दुकानें कम से कम होती चली जाएं और इससे इनका अवैध शराब का धंधा फिर से यहाँ पे फलने फूलने लगे। क्योंकि 1 अगस्त के बाद अगर सरकार निर्णय नहीं लेगी तो कोई पॉलिसी होगी, यहाँ पे कोई पॉलिसी नहीं होगी, ये लोग चाहते थे। और अगर दिल्ली में वैध शराब की जानबूझ के कमी कर दी गई, तो इसके बाद ये लोग गुजरात की तरीके से यहाँ भी धड़ल्ले से नकली शराब बेचना चाहते हैं। दिल्ली में भी फिर हमें बहुत दुख है, लेकिन दिल्ली में भी अगर ऐसा होता है तो नकली शराब बिकती है तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे जहाँ जहाँ नकली शराब बिकती है, वहाँ वहाँ फिर जहरीली शराब पी के लोगों की मौत होती है, हुज ट्रेजेडी होती है। दिल्ली में भी होने लगेगी, लेकिन हम ये नहीं चाहते और ना हम ऐसा होने देंगे। इसलिए हमने तय किया कि फ़िलहाल जो नई पॉलिसी है उसको बंद करके सरकारी दुकानें खोलने के आदेश हमने दिए हैं। क्योंकि इन्होंने दुकानदारों को डरा रखा है, इन्होंने अफसरों को डरा रखा है, इसलिए नई पॉलिसी बंद करके सरकारी दुकानों के ज़रिए अब लिकर सेल, लीगल लिकर सेल करने का हमने ऑर्डर दिया है, ताकि दिल्ली में कोई इलीगल शराब ना बेच पाए, ताकि दिल्ली में कोई स्पिरिट्स शराब ना बेच पाए। और चीफ सेक्रेटरी को मैंने ऑर्डर किए हैं कि किसी भी कीमत पर वो ये सुनिश्चित करें कि सरकारी दुकानों के ज़रिए करप्शन ना हो और किसी तरह की इलीगल मार्केट शराब की दिल्ली में ना खड़ी हो, ये मैंने ऑर्डर किए हैं।